तो भी दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पहुंच गए उस खास लोकेशन पे, रेत के टिल्लों के बीच। सुबह हो गई, 6:30 का समय है। तो भी दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पांचू। जिला है बीकानेर और नोखा के नज़दीकी है पांचू। और ये जो पीछे की साइड में आप ढाणी देख रहे हैं, ये है खेमा राम जी की ढाणी। आप खेमा राम जी है और इनकी ढाणी जो काफ़ी सालों से आपने पहले नाम सुन रखा होगा, प्रसिद्ध हुई थी। ये एक झोंपड़ी है यहाँ पर, कीकर के ऊपर बनी हुई। ये रही इनके पुत्र हैं, आपके पुत्र क्या नाम बताया? पुषाराम जी, उन्होंने जो इस झोंपड़ी का निर्माण किया था। तो सबसे पहले आइए चलते हैं झोंपड़ी में। ऐसी आपने आज तक कभी कोई झोंपड़ी नहीं देखी होगी। हमारे साथ में इतने टाइम से यात्रा कर रहे हैं, किसी पेड़ के ऊपर और इस कलाकार से बनाई हुई कि पेड़ भी अभी जिंदा है। यह देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये जो हरी भरी झोंपड़ी आप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये हरा भरा एक पेड़ है। राजस्थान में इसे कीकर कहते हैं, कांटेदार वृक्ष होता है। और पूरा का पूरा हरा भरा ये कीकर का पेड़ अब झोंपड़ी की रूप में है, झोंपड़ी की शक्ल के अंदर है। और इसे बहुत ही शानदार कलाकारी के जरिए ये रूप दिया गया है, जो बहुत सुंदर है। और आज भी ये हरा भरा इसी तरह से है। कितना टाइम हो गया थारी इन मणि ने? 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले बनाई थी। और जितना टाइम बीता है उसके बाद और ज्यादा गहरी हुई है, शांत जबरदस्त बनी है। नहीं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कीकर है हरा भरा। ऐसे होता है कि पतझड़ की रुत आती है तो पत्ते सूख जाते हैं, तो इसके भी सूखते हैं? पत्ते जड़ते हैं एक बार सारे सारे नहीं जड़ते, कटाई करे। अच्छा, कटाई कर देते हैं सबकी। और ये जो है वो सुंदर कटाई करने के बाद में ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं तो ये पूरा झुंडा मुंडा हो जाएगा। ऊपर बाप और बने नहीं, बाप बने। अच्छा, जैसे जैसे पेड़ और बने, दूसरे नंबर गोल गोल। हाँ, यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक और झोंपड़ी और बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर बन जाएगा। और ये गोल गोल है, ये उसका आंगन होगा, एक तरह छत बन जाएगी, है नी? इसके 5-7 साल लगेंगे बनेगा। 5 से 7 साल और लगेंगे, इतना बड़ा होगा तब बनेगा। और एक इस साइड के अंदर और बन रहा है ये पेड़ है। तो अगर दोनों बन जाएगी और नीचे से ये उन्होंने जोड़ भी दिया, तो जबरदस्त लगेगा बाद में ये और ये। पर ऐसी चीजों के अंदर टाइम लगता है। अब तुरंत आप चाहें कि आज ही बनाना है तो ऐसे नहीं हो सकता, टाइम लगे। हाँ, अच्छा, ऊपर ऊपर चल के आ जाएगा। हाँ, ये बीच में ऐसे और ये सीढ़ियाँ लगा रखी है। आज आप चला दो जना जास कहाँ गए? आ जाओ। एकदम हरा भरा किक्कर है, देखो तो शानदार। और इन्होंने क्या किया है कि नीचे जितने भी तने आ रहे हैं, उनकी शाखाएं हैं, उनके ऊपर इस तरह से खूब सारे लकड़ लगा करके फिर सेट किए और उसके ऊपर ये गारा लगा दिया। ऊपर तो यहाँ लगे भूकंप आ गयो। ये तान क्या मतलब? तार लगा दिए इसको मजबूत रखने के लिए। तान लगा रहे हैं, आवाज फेट को लगे। ये क्या बना दिया? मंदिर बना दिए? कैसे ही फोटो लगाई हुई है? किसे ये फोटो ये लगा दी के फोटो? हाँ, फोटो लगा हुई है। अच्छा, और ये बीच में रोईडा की लकड़ी से पूरा झोंपड़ी का शेप दे दिया। और बहुत ही शांत। आप कभी यहाँ पर सोते हो, रहते हो? कहीं कुछ हो जाए तो भली हो, और वो अटकान जो हो तो देखने चीज है। हाँ, सोए तो सो सके कोई, सो सके कोई नहीं। अगर ज्यादा इंडा चाहिए तो अभी झूल सके। तो ये गजब लग रहा है, इसके ऊपर ऐसे बैठे बैठे ऐसे लग रहा है, ऐसे
डोल रहे हैं। और यहाँ राजस्थान में क्या है कि हवा तेज चलती है, आंधियों की रुता आ गई, तो आंधी के अंदर पूरे दिन ही ऐसे हिलोरे खाती रहती है। और जो ऊपर चढ़ेगा उसको भी ऐसे लगेगा यार पड़ी पड़े कौन टाइम दे जाने। लेकिन यार ये इतनी जबरदस्त है, यहाँ पर दो तीन आदमी आराम से सो सकते हैं, मतलब इतनी है, इतनी जगह है, हम देखो बैठे हैं तो इतनी जगह है इसमें। और ऊपर ये गारे का बनाया कि ये आंगन बना दिया, और ये दीवारें लकड़ी की बना के ऊपर फिर गोबर लेप दिया, और ये इन्होंने डिजाइन करने के लिए कई सारे भगवान की फोटो लगा दी, और एक तरह से मंदिर जैसा ही बना दिया। तो भाई अब खेमा राम जी जो नीचे आ रहे हैं, एक सीढ़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए, और बहुत जबरदस्त शानदार लोकेशन है। आप रोज ही निकालोगे झाड़ू? अच्छा, आप जैसे पानी डलवाएंगे तो ये गोल गोल है। अब बाकी तो क्या है कि इतने सारे पेड़ पौधे हैं, किक्कर भी है, खेजड़ी भी है, उनमें पानी पूनी नहीं डलवाते हैं और वो खड़े भी रहते हैं। लेकिन जब इसको झोंपड़ी के रूप में बना लिया तो अब ये भी है कि ये बचा रहे, बिना पानी के कहीं मर ना जाए। बिना पानी हुआ पानी का टैंकर नकाना पड़ता है, डलवाना पड़ता है। पानी जो है वो यहाँ पर समस्या ही है आपके, पानी सारा का सारा जितना भी है वो लाना ही पड़ता है। ये झोंपड़ी है उसकी सार संभाल देख रेख पूरी पूरी जो है वो आप खेमा राम जी और इनका परिवार जो यही करता है, और पुषा राम जी जो है वो तो काम पे जाते हैं, तो पूरे दिन बच्चे और खेलते रहते हैं और यहीं पर जो है वो झोंपड़ी की देखभाल करते हैं। अभी देखो दोस्तों, मैं तो जल्दी आ गया था सुबह, यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं। आप कहाँ से भाई साहब? कुंभासर से। तहसील? तहसील नोखा। नोखा से। अच्छा, इतने सारे लोग आते हैं देखने के लिए। आप कहाँ से? राय सर। गंगानगर से। जोधपुर जिला। जोधपुर। अच्छा, तो आप सारे झोंपड़ी देखने के लिए? झोंपड़ी पहले आए हुए हो कि पहली बार? पहली बार। बहुत सुंदर नजारा है। सुंदर है ये, बता रहे 7 साल लग गए इसको बनाने में। टाइम काफी। आपको शुभ नाम क्या? छेलू सिंह। वो कोई शादी वगैरह में ऐड आया? फिर शादी में ऐड आया, मैं तुम देख ला। हाँ, तो कोई भी इस गांव में आता है, चाहे शादी में आए, चाहे यहाँ से निकल के जाए, रोड के ऊपर से दिखती है, सारे के सारे लोग जो इसको देखते हैं यहाँ आए बिना नहीं रह पाते। और इतनी सुंदर कलाकारी है, क्योंकि ये ऐसी कलाकारी हर जगह नहीं हो सकती, टाइम लगता है इसमें। हाँ, किक्कर के ऊपर। तो आज से पहले आपने ऐसी कोई झोंपड़ी देखी थी? कभी नहीं। कोई पेड़ के ऊपर बनी हुई दूसरे पे? फर्स्ट बार देखी। कैसी लगी? बहुत टॉप। जैसे दोस्तों यहाँ देखने की कोई टिकट नहीं है, लेकिन अगर आप आए तो देख करके अपनी इच्छा से देख करके जरूर जाएं, क्योंकि इसकी भी जो मेहनत लगती है बनाने में, और उसके बाद देखभाल भी करनी पड़ती है, और पानी डालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, हर महीने टैंकर डलवाना पड़ता है, इसलिए अपने भी टैंकर आ रहा है। तो अभी दोस्तों अब जो है एक बार फिर से हम लोग आ गए झोंपड़ी के अंदर, और हमारे साथ में है इसको बनाने वाले पुषा राम। पुषाराम जी है, आ रहे थे कि 7 साल लग गए बनाने में। तो उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? उम्र ये लम 13-14 साल। मतलब 13-14 साल की उम्र के अंदर इनके अंदर कैसे जाग गई इच्छा, कैसे जाग गई? अपने आप दिमाग में। अच्छा, दिमाग में आगे भी पेड़ के ऊपर एक झोंपड़ी बनाते हैं। और अच्छा, ये पूरी बन गई? कब बनी रही है? अभी बन गई, एक और बनेगी ऊपर, एक मंजिल और ऊपर बनेगी। अच्छा, ये जबरदस्त इस तरह की जो है कला है इनके अंदर, और लगन मेन चीज होती है, लगन कोड होते हैं। हाँ, तो ये जो लगातार इसी में लगे हुए हैं, झोंपड़ी बना रहे हैं। सर्दियों के अंदर सोते हो गए आप? सर्दी नहीं लगती। अच्छा, इसमें सर्दी नहीं लगती? 11 फुट हाइट। अच्छा, हाइट 11 फीट है, और ऊपर लाके इतना गारा गोबर लगाया तो किक्कर के ऊपर वजन तो आ ही गया। वजन तो आएगा, इसलिए इन्होंने तार लगाए इस तरह, ये वाले उड़ नहीं चाहिए, 4-5 साइड से। तो भाई दोस्तों अब जो पानी का टैंकर हमने मंगवाया है,
और ताकि इस किकर के अंदर डाल सकें। अपनी तरफ से हम एक टैंकर यहाँ पर डलवा रहे हैं। और ये भाई साहब जो क्या नाम बताया था, प्रमोद जी सी गांव के, ये मिल गए थे रास्ते में, टैंकर मिल गया, मैंने सोचा चलो डलवा ही देते हैं एक। इन साइड में करो जड़ा उखड़े नहीं, अट कर दो अट ही सीधे। तो यहाँ पर पानी का टैंकर तो डलवा दिया है, लेकिन एक टैंकर पूरा का पूरा यहाँ पर डाला है, तो आसपास की सारी जगह वैसे तो गिल्ली होगी, पर पेड़ को मुझे लगता है इससे कम पानी में भी काम चल सकता था। तो इस ऐसा कुछ वेस्ट चलो क्यों नहीं अपना गट्टा बनाएगा। अच्छा ये ऐसे कह रहे हैं कि भाई नीचे एक पक्का गट्टा बनाएंगे, उसके बाद में उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि अभी तो पानी पूरा वेस्टेज जा रहा है। 40 फुट में पानी दिन कम मिली है, पानी तो कम मिला, उतना सही मिला है, बाकी तो वैसे मिट्टी नहीं उड़ेगी ठीक है, पर पानी वेस्टेज बहुत गया। आपके पूरे गाँव में समस्या है, खेतों में पूरे गाँव में समस्या है, नल नहीं है, पानी की टंकी एक है ना, गाँव की जनसंख्या ज्यादा है। अच्छा तो नल में भी आता नहीं होगा? आता है, टाइम खेतों में तो आता ही नहीं है। अच्छा गांव में आता है वो भी ऐसे 10-15 दिन से। सर्दी गर्मियों में खास तौर पे नहीं, सर्दियों में भी दिक्कत है, पानी की तो दिक्कत ही है प्रॉपर। हेलो, थारी कलाकारी इतनी शानदार है और गिफ्ट है, और पानी और न खाया है, और सुंदर बनाओ, बहुत अच्छी बनाओ, गट्टा बनाओ, गट्टो नहीं, हाँ गट्टो बनवाओ, कुछ भी करो, बहुत अच्छी है। आपने एक तरह से ये राजस्थान की पहचान है कि भाई इतने छोटी उम्र के अंदर इतना सुंदर काम किया है, और शायद ऐसी राजस्थान के अंदर दूसरी झोंपड़ी नहीं होगी ऐसी, आपने सुनी कभी नहीं है। तो अभी दोस्तों मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, मैंने अपनी तरफ से कई सारे सुझाव दिए कि एक तो मिट्टी कट रही है नीचे से, जड़ें निकल रही है, तो वहाँ मिट्टी लगा करके और कुछ इस तरह से गट्टा वगैरह वो कह रहे थे बनवाएंगे। दूसरा, इतनी ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, खेजड़ी और जो कीकर होते हैं उनके नीचे नमी रहनी चाहिए, तो कम पानी अगर थोड़ा थोड़ा रेगुलर डाल के नमी बरकरार रखें या कोई घास फूस लगा दें तो भी जो है वो ये मेंटेन रह सकता है। और आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो कमेंट करके इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं। आप सी जाओ गांव में? अच्छा, तो हमारे साथ में जा रहे हैं कैमराम जी पंचू में, ये पंचू है या पंचू है? पंचू है, पंचू, पंचू गांव है, पंचू गांव है, गांव में जा रहे हैं अभी। दोस्तों उसके बाद में जो पानी का टैंकर जो डाल रहे थे प्रमोद जी, इन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे चलो, तो मैं घर पे आ गया। आप इनके पिताजी के नाम बताया? जेठाराम से। और यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि ये जेठाराम जी जो है इनके 70 गाय हैं पास में, उनमें से दूध देने वाली 10 गाय, और अपने घर से इन्होंने आज तक भी एक भी गाय नहीं बेची, सिर्फ एक दो गाय किन दी, सगा ने, सगा मतलब इनके ससुराल वालों को दी, सिर्फ दो गाय कभी नहीं बेचे, नहीं बेची याद आने में, नहीं बेचा ही नहीं। तो ये 70 गाय इसीलिए हो गई, दूध देने वाले सिर्फ 10 है, बाकी इन्होंने सिर्फ सेवा करने के लिए रख रखी है अपने खेत में। और के काम करे करो दू गायों ही करो मैन खेत गो गायों को। अच्छा, इतने मतलब गो भक्त आज के टाइम में भी है, मैंने पहली बार ये बात सुनी है, और ना ये कभी ये भैंस भी है इनकी, डेढ़ भैंस बकरी। अच्छा, गाय के अलावा कुछ नहीं, गाय रखते पर ये एक भैंस है जो बता रहे हैं दहेज में आ गई बच्चों, मतलब इनके ससुराल से, ससुराल से। ये भी ये सोच रहे हैं कि इसको क्या करें, बेचे नहीं, समस्या होगी। ये भी मतलब क्या है, तीन बार भी आ गई, अच्छा। पाड़िया ला रही है, उनको अच्छा। भी बेचना नहीं चाहता हूँ, वो भी खड़े हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि गायों के लिए गौशाला बनी हुई है, तो जो मतलब गौशाला में डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इनके अगर बच्चे को कहाँ डाले, बच्चा हो गया और वो अगर पाड़ी जो भी है तो उसको कहाँ दें दूध देने वाले, अगर उसके भैंस के अगर वो बच्ची हो तो वो तो आगे से आगे बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन पाड़ी को कोई नहीं लेता है, काटने वाला लेता है, सिर्फ काटने के लिए जाता है, वो देना नहीं चाहता हूँ, वो देना नहीं चाहता, तो समझ में नहीं आ रहा। वो खड़े हैं हमारे पास आते हैं, वो डेना वो खाने वाले, अच्छा बेचते हो क्या? नहीं, कितना मोल है? 1,00,000 रुपए है। अरे 1,00,000 नहीं, 7,000 दे देंगे, खाने वाले को 1,00,000 में भी नहीं दो, बिना खाने वाले को फ्री दे देता हूँ, कोई लेने वाला हो तो ये प्रण ले ले, भी मैं बेचूंगा नहीं, आगे इसको रखूंगा, हम बगैर पैसे दे देंगे। आंटी जी देखो अभी लाग रहे हैं लागे तो 24 घंटा लागे। अच्छा, आप इन सारा बछड़ी है सब? हाँ,
अच्छा पूरा घर का ही लागे रहो 24 घंटा। क्या नाम है थार पोते को? आ पोती है प्रियांशी। प्रियांशी जो के घर में गाय को पालन हो देवता रम में बैठे। बिल्कुल संदे बाबू मैं बताऊं थारो क्या थोड़ा। तो भी दोस्तों देसी घर का खाना मिल गया और गाय का दूध का दही घी। ये दोस्तों राजस्थान की पहचान ही है। अब आप देखिए इस गांव के अंदर मैं आया था और मुझे खाना पीना और चाय पानी का पूरा पूरा। तो गांव के अंदर कोई भी आदमी राजस्थान के अंदर खाना पीना कर सकता है कहीं पे भी। खाता है ना? हाँ हमें बहुत खुशी है कि आगे इन्होंने आके हमारे घर पे खाना खाया है। ये भाव है यहाँ के लोगों के कि भाई अपने मेहमान को जो है वो इतनी सेवा करते हैं। मेहमान आए हुए अनजान मेहमान को रिश्तेदार को खिलाने में लगता ही क्या वो तो खाएगा? सारे खिलाते ही है। सभी खिलाते हैं। सभी खिलाते हैं। हाँ सही है ना। उसको खिलाने में बहुत खुशी होती है। जो को खाने खाने पे लिखा हुआ है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम यही सच है। ये सच है। हाँ मन के ठा हो कि मैं आठे पांचों माँ घेर कर खाना खा गई। चलो भाई 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 भाई। तो अभी दोस्तों भाई प्रमोद मिल गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलके बहुत खुशी हुई। अब यहाँ से चलेंगे। चलिए दोस्तों अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1,00,000 लाइक करें। 1,00,000 लाइक की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। अब मैं जो आगे जा रहा हूँ अगले वीडियो के अंदर अगले किसी स्थान की आप यात्रा देखेंगे। बाद में बता दूं आप राजस्थान यात्रा के हमारे करीब 600 के करीब वीडियो देख चुके हैं। उसी सीरीज के अंदर ये वीडियो भी मैं शामिल कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से इस पांचों से भी आकर के सिंघल दोरा है पास में जांगलू है तो यहाँ आसपास कोड़ू भी करणी माता जी का गांव था वहां पर भी कई सारे स्थान आसपास जाकर आकर के चले गए थे। लेकिन जो बीच बीच में कहीं रह गए वो स्थान जो जैसे समय मिल रहा है हम जो है उनको यात्रा के जरिए आपको बता रहे हैं। ठीक है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कम से कम 1,00,000 लाइक की जरूरत है। ठीक है धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।